उसके बाद में राजा टोडरमल जो थे उन्होंने 1500 उन्होंने इसको 1585 के अंदर उन्होंने इसको दोबारा रिकॉन्स्ट्रक्ट कराया। नारायण भट्ट जो पूना के भट्ट थे बाद में महाराज यहाँ पर रहने लग गए थे बनारस में, उनकी देखरेख में इसको बनवाया और राजा टोडरमल के लड़के ने भी इसके का भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद में टाइम आता जहांगीर का, जहांगीर के टाइम पे ये जो बुंदेलखंड है उसके अंदर थे राजा वीर सिंह देव, उन्होंने इसको ठीक करने का प्रयास करा। लेकिन उसके बाद में आता है औरंगजेब का पीरियड, जब आता है तो 1669 के अंदर अप्रैल के अंदर औरंगजेब जो होता है इस बात का ऑर्डर इशू करता है अपने सूबेदारों को, ताकि उसमें एक ये भी ऑर्डर होता है कि इस मस्जिद को कहना चाहिए या इस मंदिर को यहाँ पर गिराया जाएगा, बिकॉज दे बिलीव इट इज द हियर द टीचिंग्स ऑफ द इनफाइडल्स वॉज गिवेन टू द डिसबिलीवर्स। तो जब ये इशू होता है तो सितंबर के अंदर ये वहां पर औरंगजेब के आदेश पे इसको गिरा दिया जाता है और उसके कुछ समय के बाद में यहां कहा जाता है जो दीने इलाही एक नए धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने, उससे भी नफरत करता था औरंगजेब, नहीं चाहता था एक जगह पर कई धर्मों के की पूजा हो। देखिए वो तो बिल्कुल एक साफ बात है, इसमें वर्ड नफरत आप शब्द को इस्तेमाल अगर ना करें तो बेहतर होगा। वो औरंगजेब जो था वो अपने धर्म के प्रति उसकी बहुत ज्यादा आस्था थी और जैसा कि नॉर्मल होता है 99% लोगों का यही होता है कि अपना धर्म चूंकि बारे में उनको ज्ञान होता है तो उनको लगता है कि मेरा धर्म ही सबसे बेहतर है, जैसे मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी औरत है तो दूसरे धर्मों का वो इज्जत नहीं करते होते। ठीक है, वही बात औरंगजेब अरविंद चूंकि बहुत ही धार्मिक धर्मा ये कहना चाहिए धार्मिक वो कहना चाहिए व्यक्ति था तो उसकी आस्था बहुत ज्यादा थी इस्लाम में, तो दूसरे धर्मों को वो उतना महत्व नहीं देता था, जिस वजह से कि आपने आपकी जो बात पे मैं आ रहा हूं उतने बाकी अच्छा। और दूसरे इसके रीजन एक और भी है, खाली इसके अंदर धर्म वाले रीजन नहीं है, औरंगजेब के बहुत से पॉलिटिकल इसके पास कंपल्शन थे कि बिकॉज द रेबल्स जितने भी थे विद्रोही जितने थे औरंगजेब के जमाने के अंदर तो वो अक्सर ये करते थे, जैसे कि आपको याद होगा ब्लू स्टार हो ये अमृतसर का ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो इसके अंदर भी क्या था कि ये जो रेडिकल्स थे वो अपने हथियार भी छिपाते थे, वो खुद भी भिंडर वाला उसके अंदर छिपके रह जाता था। इसी ढंग से औरंगजेब को ये खबर मिली थी कि तमाम ऐसे मंदिर थे जहां पर कि हिंदू विद्रोह जब विद्रोह करते थे बाद में उसमें शरण भी ले लेते थे, ऐसा कई इश्तिहार का कहना है, इस वजह से भी वो मंदिरों को अपने राज्य। ठीक है भट्ट साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं और इतिहास के नजरिए से भी इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। सैयद मौजूद इमाम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। सैयद मौजूद इमाम साहब, बताइए कि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम हिंदू पक्षकार जो लोग हैं या जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये एक बड़ी भूल थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से और इसका विवाद का निपटारा होना चाहिए, ये तरीका जो है विवाद के निपटारे का आपको लगता है क्या कि ये तरीका बहुत आसान है और ये हो सकता है, ये प्रैक्टिकल है? देखिए पहली बात तो नेगोशिएशंस अयोध्या इशू पे खुद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे हुए थे लेकिन वो नेगोशिएशंस हो नहीं पाए, क्योंकि जब एक पक्ष ये कहेगा कि हमें ये चाहिए, नेगोशिएशन तो मिडिल पाथ के लिए होता है ना कि मिडिल पाथ पे आप कहां जाके समझौता करते हैं, लेकिन जब एक पक्ष कहेगा कि नहीं हमें ये चाहिए और दूसरा पक्ष कहेगा हम नहीं देंगे तो उसमें नेगोशिएशन की बात कोई आ नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, जिस तरह से राजनीतिक बयान आ रहे हैं वो तो आपको पता है 2024 के चुनाव हैं, 2023 में बड़े स्टेट्स के इलेक्शंस हैं तो उन सब की वजह से राजनीतिक बयान आ रहे हैं। जहां तक ज्ञानवापी का मसला है, ये मसला वैसे भी आना चाहिए क्योंकि कोर्ट को इसको मेंटेनेबिलिटी का इशू है, क्योंकि जो 1991 में एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था उसमें सभी को एग्जम्प्ट किया था, खाली अयोध्या के केसेस को खाली आगे बढ़ाने की बात, इस तरह तो आप करते रहेंगे लगातार हर मस्जिद हर मंदिर के नीचे खोदते रहेंगे कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, जो 5000 साल की सभ्यता है ईसवी में हम क्या है। लेकिन शहीद मोदी इसमें दरअसल टेक्निकलिटी ये है और हिंदू पक्ष ये कहता है कि भाई 1993 तक तो वहां पर पूजा होती रही, श्रृंगार गौरी की पूजा लगातार होती रही और इसलिए वहां पर सिर्फ ये नहीं कह सकते सिर्फ मस्जिद है वहां पर। देखिए वो आउटर पोजीशंस पे पूजा होती रही है और मस्जिद के अंदर पूजा नहीं होती है, तो वो एक पैसेज दिया गया है मस्जिद के अंदर जाने से जहां तक मुझे जानकारी। दूसरी बात यह है कि
अयोध्या का इशू इसलिए कि अयोध्या में नमाज बंद थी जब से वहां पे इंजेक्शन लगा था, जब से विवाद हुआ था। यहाँ पे तो नमाज चालू है जब से, कई साल से बीएचपी भी कह रही थी कि यहाँ पे इस तरह होना चाहिए उस तरह होना चाहिए, लेकिन कभी कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी नमाज को नहीं रोका है। तो जाहिर सी बात है कि इसके मेंटेलिटी का इशू है, 1991 का एक्ट है, उस सबको देखते रहे। अब जब सभ्यता इतनी पुरानी है हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की, आप कहीं भी खुद खोदते रहिए तो कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। आप हमारा घर खोदिए उसके नीचे कुछ निकलेगा, आपका घर खोदा जाएगा उसके नीचे कुछ निकलेगा, उसके 500 मीटर जाएगा नीचे तो कुछ और निकलेगा, 1000 मीटर नीचे जाएगा तो पूरा कुछ और निकलेगा। तो ये सब इशू ये बंद करने के लिए नहीं हो रहा, इशूज को बढ़ाने के लिए हो रहा है हर चीज, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो। क्या यहीं से एंड हो जाएगा? ऐसा मुझे लगता नहीं है कि एंड होने वाला, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिकरण हर इशू का हो रहा है और जिस तरह से राजनीतिक फायदा एक पर्टिकुलर दल उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें नेगोशिएशंस की सवाल बहुत कम उठता है। नेगोशिएशन तभी होता है, जैसे हमारा आपका विवाद है, तो एक मिडिल पाथ क्या हो सकता है? मिडिल पाथ इसमें वही हो सकता है कि आधा आप लीजिए आधा हम ले लीजिए, तो ऐसे कोई तैयार तो है नहीं आधा हमें देने। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत पे जजमेंट दिया था अयोध्या इशू में कि तीन हिस्सों में उसको बांट दिया, तो उसको किसी ने नहीं माना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों ने चैलेंज किया। ठीक है, तो वो दरअसल संभव नहीं दिखाई देता, प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देता, लेकिन अब जो हिंदू पक्ष है और कम से कम मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए और इस विवाद का समाधान निकाले जाने के लिए उसको पहल करना चाहिए। सीधे तौर पर ये सुझाव दिया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष आगे आओ और इससे कहे कि भाई ये ऐतिहासिक भूल है, ये जगह आपकी है और आप यहाँ पर मंदिर का निर्माण कीजिए, संभव है या नहीं है। सनत रस्तोगी जी हमारे साथ नेता वीएचपी के मौजूद हैं। सनत रस्तोगी साहब, ये बार बार कहा जा रहा है कि वर्शिप एक्ट 1991 की जो बात है उसके बारे में तो जिला अदालत ने सुना ना, उसके बारे में जिला अदालत ने जब 7/11 की बात हो रही थी सुना होगा, उसके बाद तो मामले के आगे सुनवाई बढ़ी, तो क्या वो वर्शिप एक्ट कहीं पर रोड़ा है इस पूरे लड़ाई में आप लोगों के सामने, हिंदू पक्ष के सामने? वर्शिप एक्ट जो बार बार उठाया जा रहा है वो केवल मतलब मुस्लिम पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, और वर्शिप एक्ट कहीं भी उसमें कहीं लागू नहीं होता है, जिसके ऊपर काफी बार जो है हमारे अधिवक्ता जो इस जो है पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, लड़ रहे हैं मुकदमे, वो बार बार इसकी सफाई देते आ रहे हैं। जी, अब ये लड़ाई कहां जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, अब सर्वे का काम हो रहा है, इस सर्वे से आप लोगों को क्या उम्मीदें? देखिए, ये सर्वे से हम लोगों का नहीं पूरे देश की उम्मीद लगी हुई है, और ये सर्वे ही दोनों पक्षों के विषय को पूरी तरीके से सॉल्व करने का, हल करने का एक माध्यम बनेगा। और न्यायालय पर विश्वास तो सबको रखना चाहिए, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, हमको विश्वास उस पर रख करके और न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए। ठीक है, न्यायालय तो अपना काम कर ही रहा है, न्यायालय में रिपोर्ट भी सबमिट होनी है। तुलसी महाराज जी, अब रिपोर्ट सबमिट होगी 2 तारीख को, यह तय हो गया है कि 2 सितंबर को एएसआई को रिपोर्ट सौंपनी है। इस रिपोर्ट के सौंपने के बाद आप लोग क्या उम्मीद लगा करके बैठे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि इस रिपोर्ट में क्या जिक्र हो सकता है और उसके आगे आप लोगों की लड़ाई कितनी बाकी है? अभी पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बात बताई कि बिल्कुल सही बात है कि मध्यस्थता जो है बीच में होती है, और मध्यस्थता वहां पे होती है जहां पे बीच कुछ हो, जब बीच कुछ होगा तो मध्यस्थता होगी। आप किसी से भी, इतिहासकार भट्ट साहब इतने बढ़िया बात बता रहे थे, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इतिहासकार जो इतिहास लिखा है, भारत ने इतने सालों तक अपने सनातन पद्धति को किस तरीके से तकलीफ में रह के झेला है, और क्या ये जितने भी सनातनी हिंदू भारत के हमारे लोग हैं इनको समझ में ये नहीं आता है कि इनको इतना बढ़िया भट्ट साहब ने इतिहास अभी हमें सुनाया, हम तो बिल्कुल अंदर से आनंदित हो गए आपके चैनल के माध्यम से कि कब आए गौरी, कब हुआ आक्रमण, कैसे हुआ, कितने सन, क्या, ये सारी बातें सुन के मुझे ये लगा कि ये बताइए मंदिर तोड़ा गया ये सबको पता है, और मंदिर में मस्जिद बनाया गया ये भी सबको पता है, तो जब इतना क्लियर पता है तो हमसे उम्मीद तो आप यही रख रहे होंगे कि 2 तारीख को हम निश्चित रूप ही चाहते हैं कि जैसे रामलला जी की पूजा हो रही वैसे यहां भी पूजा हो, और हम जहां जहां मंदिर मस्जिद बनाया गया वहां वहां पूजा हो।